Now continuing with our class on classes in C++, in the last few classes we have studied what are classes, how do we create classes, and I have given you some examples to write programs on classes. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक डेमो भी दिया था C++ में आप कैसे कोई भी प्रोग्राम को अभी तक जो आप सी में प्रोग्राम्स लिखते थे means you were following the structured programming approach. So now you can follow the object-oriented program approach and you can convert those programs that were written in C using structured programming. You can convert those programs in by using object-oriented programming in C++. Last class में हमने एक example देखा था कि अगर suppose आपको एक number का factorial निकालना है. So I gave you an example how you can find the factorial of a number using classes. Okay, so by this point of time you should have understood ki ye do programming styles hain. C mein hum matlab we have been studying with two programming styles. One is structured programming and the other is object oriented. ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हम सी में जो प्रोग्राम्स लिखते थे दे ऑल वेर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स. ओके, नाउ वी कैन राइट दो सेम प्रोग्राम्स इन C++ यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. सो दीज आर अप्रोचेस प्रोग्रामिंग अप्रोचेस हैं ये. ठीक है, एंड दीज आर द these are the languages that support these approaches. ठीक है, अब C++, Java, then .NET, there are plenty of languages, Python, all these languages are object oriented and structured programming में भी आपका C आती है, then you have basic, you have VB, visual basic. ठीक है, so you have some languages that are structured also and these are object oriented programming languages. So means what I'm trying to tell you is ki aap koi bhi program ko you can start thinking of writing a program altogether in a new way, and that is the object oriented programming way. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको कोई question दिया जाता है, कोई भी program लिखने को बोला जाता है, आप सीधा प्रोग्राम लिखना शुरू नहीं करते हो. यू डोंट जस्ट स्टार्ट राइटिंग द लॉजिक, यू फर्स्ट सी कि इसमें कौन सी क्लास बनेगी, उस क्लास में क्या डेटा होगा, क्या फंक्शंस होंगे, डेटा किस टाइप का होगा, फंक्शंस में क्या होगा, एंड देन यू थिंक अबाउट द लॉजिक. ओके, सो इट्स नॉट दैट कि जैसे ही आपको कोई प्रोग्राम लिखने को बोला जाता है एंड यू स्टार्ट राइटिंग इट्स लॉजिक. सो दिस इज अ टोटली न्यू अप्रोच इन विच the first thing you do is you understand the problem as a whole. फिर आप सोचते हो कि इसको हम इसके लिए हमें क्या कौन सी क्लास बनानी पड़ेगी, उस क्लास में क्या क्या डेटा होगा, कौन कौन से फंक्शंस होंगे, and how will be and then what will be the types of the data, what will be the contents of the function, उनका logic क्या होगा, then you finally make the entire class. और फिर उस क्लास का यूज हम अपने मेन प्रोग्राम में करते हैं, मेन फंक्शन में, एंड राइट द लॉजिक ऑफ योर प्रोग्राम. ठीक है, सो इन कंटिन्यूएशन विद दैट ओनली वील सी वन मोर एग्जांपल ऑन क्लासेस, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस. नाउ हियर दे हैव टेकन एन एग्जांपल टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ अ बुक यूजिंग ऑल मेंबर फंक्शंस इनसाइड द क्लास. ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने एक बुक क्लास बनाई है. ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको एक बुक का रिकॉर्ड से स्टोर करना है. सो नाउ दैट मींस दिस इज वेरी क्लियर कि यू नीड टू डिजाइन अ क्लास फॉर अ बुक. नाउ सो यू नीड टू डिजाइन अ क्लास फॉर अ बुक, सो यू विल क्रिएट अ क्लास से बुक. अब इसमें बुक क्लास में आपको क्या क्या डेटा, आपको एक बुक के लिए क्या क्या डिटेल्स की जरूरत पड़ती है, क्या क्या डेटा एक बुक को से दूसरी बुक से डिफरेंशिएट करता है. सो एवरी बुक सो
डेटा में हमने बुक का नंबर ले लिया, जैसे आप लाइब्रेरी में देखते होंगे हर बुक को एक कोड असाइंड होता है, सो इट कैन बी कॉल्ड एज द बुक नंबर. देन यू हैव द बुक नेम, सो बी नेम आई एम टेकिंग, एक ऑथर होता है हर बुक का एंड उसकी प्राइस. यू वॉन्ट टू टेक पब्लिकेशन, यू कैन टेक पब्लिकेशन ऑल्सो. सो फिलहाल हम अभी इतना ले रहे हैं. सो दीज आर ऑल द डेटा आइटम्स दैट कैरेक्टराइज अ क्लास बुक. तो ये सारे बुक के बारे में, बुक का डेटा है. नाउ नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू कि नॉर्मली हम हर क्लास में दो फंक्शंस बनाते हैं, एक गेट डेटा और एक डिस्प्ले या शो डेटा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू नेम इट. सो हियर दे हैव टेकन अ फंक्शन नेम्ड डिस्प्ले. नाउ गेट डेटा विल ऑलवेज इनपुट द डेटा फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले विल डिस्प्ले बैक दोज डिटेल्स टू द यूजर इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. ठीक है, अब प्रोग्राम लिखने का तरीका वही है, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ. नाउ यू हाउ डू यू स्टार्ट अ क्लास, यू स्टार्ट अ क्लास बाय सेइंग क्लास, क्लास का नाम हमने लिया बुक. नाउ यू कुड हैव टेकन द नेम एज कैपिटल बी ओ ओ के. नाउ व्हाई, बिकॉज हमने पढ़ा था पीछे कि क्लास का नाम शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, इट इज अ कन्वेंशन नॉट अ रूल. सो रूल नहीं है इसीलिए इसको कंपल्सरी नहीं है फॉलो करना, बट कन्वेंशन है तो इट वुड बी गुड इफ यू फॉलो इट. ओके, सो यहाँ इनने कन्वेंशन को नहीं फॉलो किया है. इट्स बेटर यू शुड फॉलो द कन्वेंशन. यू कैन टेक द नेम ऑफ द क्लास एज कैपिटल बी ओ ओ के. ओके, ना यहाँ पे आपकी क्लास स्टार्ट हो गई. इसके बाद आपने दो सेक्शंस लेते हैं. अभी इन सेक्शंस के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. So right now only you can understand this ki usually the data is kept in the private section and the functions are kept in the public section. ठीक है, now private का मतलब क्या होता है? कोई भी data, now this all we are doing for security. हमने पढ़ा था कि structured programming में data की security कोई नहीं होती है. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था, इट वॉज कि यू कैन आइदर मेक अ वेरिएबल एज लोकल और यू कैन मेक अ वेरिएबल एज ग्लोबल. दो ही ऑप्शंस हुआ करते थे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में, आप या तो वेरिएबल को ग्लोबल बना दोगे या लोकल. नाउ ग्लोबल बनाने से किसी भी वेरिएबल को क्या होता है, उस इट इज इट कैन बी यूज्ड, its scope is the entire program, so it can be used from anywhere in the program. ठीक है, तो means कहीं से भी कोई भी उसको manipulate कर सकता है, use कर सकता है, so that is a global variable. Now local variable क्या होता है, it is limited to a block or structure. उसका जो scope है, scope limited to block or function. ठीक है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप होता है एंटायर प्रोग्राम. सो नाउ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे, या तो वेरिएबल को ग्लोबल बना दो तो हर जगह से वो यूज हो पाएगा और हर जगह से मॉडिफाई हो पाएगा. अगर आपको डेटा को प्रोटेक्ट करना है देन कीप इट विद इन अ ब्लॉक और अ फंक्शन. बट फिर क्या होगा, वो सिर्फ उस ब्लॉक या फंक्शन में से एक्सेस हो पाएगा. ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि डेटा को सिक्योर भी करके रखो और साथ में हर जगह से जहां से उसको रिक्वायर्ड हो कॉल भी कर सको फ्रॉम मोर देन वन फंक्शंस. सो दैट वाज नॉट पॉसिबल देयर. नाउ दिस थिंग इज अवेलेबल इन C++ या इन एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कि आप क्या करते हो, डेटा को आप प्राइवेट सेक्शन में रख देते हो एंड फंक्शंस को पब्लिक सेक्शन में. नाउ डेटा को प्राइवेट सेक्शन में रखने से क्या होता है कि डेटा बाहर इस क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता. प्राइवेट मींस प्राइवेट टू व्हाट, प्राइवेट टू दिस क्लास. सो मेकिंग अ डेटा प्राइवेट या डिफाइनिंग समथिंग इन अ क्लास एज प्राइवेट मींस इट कैन बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास ओनली, नॉट आउटसाइड द क्लास. ठीक है, और कोई भी चीज अगर आप पब्लिक सेक्शन में डिफाइन करते हो तो पब्लिक, एज द नेम सेज, पब्लिक चीजें जो होंगी इट इज फॉर द पब्लिक, सो इट कैन बी यूज्ड फ्रॉम एनीवेयर. ओके, सो नाउ नॉर्मली द कंसेप्ट इज, या जो हम नॉर्मली जो कन्वेंशन फॉलो करते हैं ज्यादातर
फंक्शंस को तो हमें कॉल करना ही पड़ेगा हमारे मेन प्रोग्राम में. सो फंक्शंस आर नॉर्मली केप्ट इन द पब्लिक सेक्शन एंड डेटा आर यूज्ड बाय द फंक्शंस. डेटा डायरेक्टली कभी भी मेन में नहीं यूज होता है. तो डेटा को हम क्या कर सकते हैं, आई कैन कीप इट इन द प्राइवेट सेक्शन बिकॉज डेटा को डायरेक्टली हमें मेन में यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जहां भी हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी हम उसे यूज करेंगे मेन के अंदर किसके थ्रू, थ्रू द फंक्शंस ऑफ द क्लास. सो दैट मीन्स ये जो डेटा है ये प्राइवेट सेक्शन में डिफाइंड है. सो इट इज ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास एंड थ्रू द फंक्शंस ऑफ द क्लास. मीन्स प्राइवेट मेंबर्स आर एक्सेसिबल विद इन द क्लास. और कैसे एक्सेस होंगे, फंक्शंस के अंदर से एक्सेस होंगे. और किस क्लास के फंक्शन के अंदर से, उसी क्लास के फंक्शन. नाउ दैट मीन्स ये बुक नंबर, नेम, ऑथर और प्राइस को सिर्फ ये दो फंक्शंस जो क्लास के हैं ये ही एक्सेस कर सकते हैं. सो नाउ आप समझ चुके होंगे कि डेटा प्रोटेक्टेड है क्योंकि इसे डेटा बाहर की दुनिया में नहीं दिखाई दे रहा है डायरेक्टली. बाहर से कोई भी उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता है. डेटा को यूज या मैनिपुलेट कौन कर सकता है, only the functions of the class, and obviously functions of a class will not harm their own data. ठीक है, so that is how the data is protected. If you remember जब हमने features पढ़े थे, object oriented programming के features पढ़े थे in the very beginning, तब हमने एक feature पढ़ा था data hiding. So this is what is data hiding. We are hiding our data because स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में एक बहुत बड़ा लूप होल था या ड्रॉबैक था कि हमारा डेटा सिक्योर नहीं था. हम डेटा को अगर ग्लोबल बना देते हैं तो हर कोई उसे देख सकता है, यूज कर सकता है, चेंज कर सकता है, एंड दैट कैन डैमेज योर डेटा. ओके, अगर हम डेटा को प्रोटेक्टेड रखते हैं, एकदम से सेफ हैंड्स में रखना चाहते हैं, तो हम उसे एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे. पर फंक्शन डिफाइन करने से वो डेटा सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन के अंदर से एक्सेस हो पाएगा. अगर सेम डेटा हमें कहीं और भी उसकी जरूरत है, आई कैन नॉट यूज द डेटा इन एनी अदर फंक्शन, उसके मतलब उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि मेरे को उस डेटा को पब्लिक डिफाइन करना, सॉरी ग्लोबल डिफाइन करना पड़ेगा. एंड ग्लोबल मीन्स अवेलेबल टू ऑल. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड. जो डेटा है इट इज केप्ट इन द प्राइवेट सेक्शन टू प्रोटेक्ट द डेटा. इससे क्या होगा, ये जो डेटा है ये क्लास के अंदर ही विजिबल होगा एंड इट विल नॉट बी विजिबल फ्रॉम आउटसाइड. सो आई जस्ट राइट इट हियर, बाकी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. प्राइवेट में जो भी चीजें होती हैं दे आर एक्सेसिबल या विजिबल from within the class only. ठीक है, and that is how the data is protected, not from outside. तो इससे हमारा जो data है वो काफी हद तक protect हो जाता है. हमारा data सिर्फ हमारी ही class के अंदर से use हो पाएगा and हमारी खुद की class will not harm our own data. Now functions are usually kept in the public section. Now reason behind this is कि अगर आप functions को भी private section में हम define कर देंगे, अगर सब कुछ पे class में functions भी private section में अगर हम define कर देंगे, then what will happen? Everything will become protected. फिर हम program लिख किसके लिए रहे? How will I call these functions from our main program or your main function? So class बनाने का कोई फायदा ही नहीं होगा. अगर आप सब कुछ प्राइवेट बना दोगे, डेटा भी, फंक्शंस भी, तो मेन फंक्शन से कुछ भी कॉल नहीं हो पाएगा एंड योर क्लास विल बिकम यूजलेस. सो कीप अ थंब रूल, डेटा को अनटिल एंड अनलेस नॉट रिक्वायर्ड डेटा को आप प्राइवेट सेक्शन में रखेंगे एंड फंक्शंस को आप पब्लिक सेक्शन में रखेंगे. बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. हो सकता है कभी आपको एक ऐसे डेटा की जरूरत पड़े जो कहीं से भी उसको एक्सेस करने की जरूरत पड़ सकती है, देन यू हैव टू क्रिएट दैट डेटा
इन द पब्लिक सेक्शन सो दैट इट इज विजिबल फ्रॉम एवरीवेयर. ठीक है, और फंक्शंस को ज्यादातर हम पब्लिक सेक्शंस में ही डिफाइन करते हैं बिकॉज फंक्शंस नीड टू बी कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड. सो दिस कंसेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल. नाउ अब मैंने क्लास के बारे में आपको सारा बता दिया, अब यहाँ पे हमने करा कुछ नहीं है. नाउ द प्राइवेट इज दीज आर नोन एज ये प्राइवेट, अभी हम और पढ़ेंगे एक प्रोटेक्टेड, प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, दीज आर थ्री विजिबिलिटी विजिबिलिटी कंट्रोल्स, या इन्हें हम एक्सेस मॉडिफायर्स भी बोलते हैं. ठीक है, नाउ एक्सेस मॉडिफायर्स या विजिबिलिटी कंट्रोल्स, देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स, प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक. दिस वी विल डिस्कस लेटर इन द चैप्टर ऑफ इनहेरिटेंस. सो राइट ओनली नीड टू नो अबाउट दीज टू, प्राइवेट एंड पब्लिक. ठीक है, नाउ द डिफॉल्ट इज द प्राइवेट. अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, इफ यू ओमिट दिस लाइन, इफ आई डोंट राइट दिस लाइन, इवन इफ आई कट दिस लाइन, देन ऑल्सो ऑल दीज डेटा मेंबर्स विल बी ट्रीटेड एज प्राइवेट. जब तक आप पब्लिक कीवर्ड नहीं लिखोगे तब तक सारा कुछ आपका डेटा या फंक्शंस विल बी ट्रीटेड एज प्राइवेट. So private is the default access modifier in C++. So, but it is always better to mention private, even if it is by default, but it is good practice कि आप ऊपर ही define कर दो कि ये private section है और यहां से आपका public section शुरू हो रहा है. नाउ गेट डेटा में हमने सारा क्या कोड लिखा है, यही जो सारे डेटा मेंबर्स हैं इनके डिटेल्स को यूजर से इनपुट करा रहे हैं. तो सी आउट, दिस सी आउट के साथ हम एंटर द डिटेल्स, बुक नंबर, बुक नंबर को इनपुट कराया, बुक नेम, बुक नेम को इनपुट कराया, ऑथर नेम एंड प्राइस ऑफ द बुक, ये सारी चीजें हमने यूजर से इनपुट करा ली. नाउ डिस्प्ले में द सेम डिटेल्स हैव बीन डिस्प्लेड. ओके, द फॉर्मेट यू कैन डिसाइड आपको किस तरह से ये डिटेल्स प्रिंट कराने हैं. सो इट विल प्रिंट समथिंग लाइक दिस, कि द एंटर्ड रिकॉर्ड इज सो एंड सो, उसमें वो मेंशन कर देगा बुक का नंबर ये है, बुक का नेम ये है, प्राइस ये है, ऑथर का नाम सो एंड सो है. ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लास ओवर हो गई. क्लास खत्म कैसे होती है, कर्ल ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन से योर क्लास एंड्स. ओके, नाउ क्लास वाला पार्ट आपका हो गया, अब आपको क्या करना है, क्लास बनाने से आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता है. नाउ इस क्लास को हमें यूज भी करना है, इसका हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, फिर गेट डेटा और शो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे. सो दैट इज डन इन द मेन मेन फंक्शन. ठीक है, क्योंकि इसे सी प्लस प्लस का भी प्रोग्राम रन तो बिना मेन फंक्शन के हो नहीं सकता है. सो यू विल राइट द मेन फंक्शन. बट अगर आप देखोगे कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम में द मेन लॉजिक इज वेरी स्मॉल. क्यों? क्योंकि इसे सारा लॉजिक आपने क्लास के अंदर हाइड कर दिया, एंड आपको मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ क्या करना है, जो क्लास के अंदर बनाए हुए फंक्शंस हैं उनको जस्ट कॉल करना है. तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक क्लास. ठीक है, इससे क्या होगा, इस लाइन से बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका नाम होगा ओबीजे. क्लियर स्क्रीन कराई हमने, ओबीजे डॉट गेट डेटा. नाउ ओबीजे इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ कभी भी जो भी आपके क्लास के फंक्शंस होते हैं, ये जो गेट डेटा है और ये डिस्प्ले फंक्शन है, दीज आर डिपेंडेंट फंक्शंस, दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ क्लास, सो दे कांट बी कॉल्ड डायरेक्टली. यू कांट जस्ट राइट दिस, आप अगर ऐसा लिखोगे सिर्फ, इट विल गिव एन एरर, दिस लाइन विल गिव एन एरर, बिकॉज ये तब कर सकते थे अगर गेट डेटा एक क्लास का फंक्शन ना होके एक इंडिपेंडेंट फंक्शन होता, जैसा हम सी में लिखते थे, तब आप इस फंक्शन को ऐसे डायरेक्टली कॉल कर सकते थे.
बट यहाँ पे आप ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हो बिकॉज गेट डेटा बिलोंग्स टू अ क्लास, और किसी भी क्लास के फंक्शन को उसी क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल कर सकता है. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग है, तो फंक्शन भी सिक्योर है, कोई भी चाहे उसे नहीं कॉल कर सकता है, कहीं से भी कोई भी उसे चाह करके भी नहीं कॉल कर सकता है. डेटा भी सिक्योर है, फंक्शंस भी सिक्योर है. डेटा कैन बी यूज्ड ओनली बाय द फंक्शंस ऑफ द क्लास एंड फंक्शंस कैन बी कॉल्ड बाय द ओनली द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास. सो बोथ योर डेटा एंड योर फंक्शंस आर वेल सिक्योर. ठीक है, सी में या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में डेटा कहीं से भी कॉल हो सकता था, फंक्शन कोई भी कॉल कर सकता था, सो देयर वाज नो बाउंडेशन. तो क्लास बनाने से क्लास का डेटा सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के फंक्शंस यूज कर सकते हैं, है ना, एंड जो क्लास के फंक्शंस हैं दे कैन बी ओनली कॉल्ड थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. तो फिर उसके बाद हमने डिस्प्ले फंक्शन कॉल कराया, तो क्या होगा, सबसे पहले वो आपसे सारे बुक के डिटेल्स इनपुट करा लेगा और फिर उन्हें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रिंट करा देगा. सो दिस इज द प्रोग्राम. नाउ यू कैन सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. द आउटपुट ऑफ द अबव प्रोग्राम विल बी एंटर द डिटेल्स, एंटर द बुक नंबर सो एंड सो, बुक नेम सो एंड सो, ऑथर नेम सो एंड सो, एंड प्राइस सो एंड सो, एंड देन डिस्प्ले फंक्शन. ये आपका क्या है, गेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ, गेट डेटा फंक्शन से ये सारी चीजें हुई, और दिस इज द आउटपुट ऑफ द डिस्प्ले फंक्शन. डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, वही सारे डिटेल्स जो यूजर ने इनपुट करे थे उन्हें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रिंट करा देगा. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम. ओके, सो इफ वी आर डिजाइनिंग अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, possibly this kind of a class can be used there. मतलब books के लिए हम इस type की एक class create कर सकते हैं. उसमें naturally there will be some more fields like publisher का नाम अभी हमने नहीं लिया है, number of pages नहीं लिए हैं, किस subject को belong करती है ये book, वो नहीं लिया है. There can be many fields that can be added, many data that can be added in the class to describe a book. Okay, so just to keep it short, just to keep the class short, we have taken only 4 data items in this particular class. You can add as many required to describe your complete book. Now, isme ek cheez aur hai, another way of writing this same program is, I have written the same program by using all the member functions outside the class. Now, functions को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो. डिफाइन, ओके, डिफाइन का मतलब उसका पूरा लॉजिक कोड कहाँ लिख सकते हो. यू कैन राइट इन साइड द क्लास ऑल्सो एंड यू कैन राइट देम आउटसाइड द क्लास ऑल्सो. सो फंक्शन कोड मेंबर फंक्शन कैन बी रिटन विद इन द क्लास and outside the class also. ठीक है, तो अभी जो हमने प्रोग्राम लिखा था पहले, this one, the earlier one, इसमें हमने क्या किया था, पूरी क्लास डिफाइन की थी, उसमें डेटा भी वही डिफाइन कर दिया था, functions के function का सारा logic भी क्लास के अंदर ही डिफाइन किया था. ओके, सो आर दिस एग्जाम्पल वॉज वी हैड डिफाइंड द functions इन द सेम क्लास itself. ठीक है, अभी हम इसी एग्जाम्पल को दोबारा से करेंगे एंड वील राइट द कोड ऑफ द फंक्शंस आउटसाइड द क्लास. ठीक, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्लास, आप देखोगे, देखो क्लास बस हमने इतनी सी बनाई. क्या किया हमने, क्लास डिफाइन किया, क्लास का नाम बुक, प्राइवेट सेक्शन में वही 4 डेटा मेंबर्स हमने डिफाइन कर दिए, पब्लिक सेक्शन में आई हैव जस्ट डिक्लेयर्ड द फंक्शंस. Declared the functions only. Means, कई बार होता ना, आप जब क्लास बना रहे हो आपको ये पता है कि इस क्लास में ये फंक्शंस होंगे, पर उन फंक्शंस का कोड एग्जैक्टली क्या है दैट यू वॉन्ट टू प्रोवाइड लेटर. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो,
क्लास बनाते समय डेटा को डिफाइन कर दो, फंक्शंस का को सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दो, और फंक्शंस का कोड हम क्लास के बाद बाहर बाहर डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। सो इससे क्या होगा, आपकी क्लास ज्यादा हैवी नहीं होगी फिलहाल, बट ऑब्वियसली द फंक्शंस विल बी अ पार्ट ऑफ द क्लास, बट उसी समय आपको वो फंक्शंस का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज एट टाइम्स होता है कि जब हम डिजाइनिंग फेज में होते हैं तो एवरीथिंग इज नॉट क्लियर टू अस, मतलब कोड क्या होगा एग्जैक्टली क्या होगा, वी वॉन्ट टू थिंक इट लेटर ऑन। सो वॉट वी कैन डू इज वी कैन डिजाइन द क्लास, कीप इट देयर, एंड बाद में हम फंक्शंस को उसका बॉडी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, आउटसाइड द क्लास। सो नाउ हाउ डू वी डू दैट, क्लास तो यहाँ खत्म हो गई, अब आप क्या करोगे, आप क्या यहाँ पे हमने क्या करा, नाउ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते थे, अगर हम कोई फंक्शन एक इंडिपेंडेंट फंक्शन बनाते थे तो हम इस तरह से लिखते थे, void, void is your return type and this is the name of the function and this is the body of the function, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ऐसा लिख दोगे तो get data क्या होगा, get data will be treated as an independent function, but we are not writing an independent function, we want to write the same function which we have declared in the class. और कौन सी क्लास, बुक क्लास में हमने जो फंक्शन डिक्लेयर करा था उसको ही हमें उसका ही लिखना है। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस, नाउ दिस इज नीड्स टू बी अंडरस्टूड। नाउ ये यहाँ पे क्या है, क्लास का नाम, क्लास नेम, बुक इज द नेम ऑफ योर क्लास, देन यू आर पुटिंग दिस ऑपरेटर एंड देन यू आर राइटिंग द नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, void. Now, void क्या है हमारा, return type. हर function का एक return type होता है, it can be int, it can be float, it can be double, it can be char, depending on what type of value a function is returning. It can be void if it is not returning anything. Okay, so return type हमारे function का क्या है, void. This is the name of the class to which this function belongs. Now this is the member function of class book. Means ye book class ka member function hai and this is the scope resolution operator. Theek hai? To ye kya bata raha hai, क्लास का नाम, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड फंक्शन नेम, दिस इज टेलिंग यू कंप्लीटली दैट ये फंक्शन इस क्लास को बिलोंग करता है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन, ओके, विच इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ दिस सो एंड सो क्लास। नाउ द रीजन फॉर दिस इज क्योंकि इसे गेट डेटा नाम का फंक्शन तो हम हर क्लास में बनाते हैं। अगर आपने इसी प्रोग्राम में एक स्टूडेंट क्लास भी बनाई है, एक फैकल्टी क्लास भी बनाई है, तो फैकल्टी क्लास में भी गेट डेटा फंक्शन होगा, स्टूडेंट क्लास में भी गेट डेटा फंक्शन होगा। देन सो मेनी क्लासेस कैन हैव द फंक्शन विद द सेम नेम। सो हाउ इट दिस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज हेल्पिंग हियर, इट इज टेलिंग द कंप्लीट थिंग अबाउट दिस फंक्शन। इससे ये पता चल रहा है गेट डेटा फंक्शन कौन सा, जो बुक क्लास का मेंबर फंक्शन है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन हियर, बुक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड गेट डेटा, एंड देन वी हैव रिटन द सेम कोड दैट वी हैड रिटन अर्लियर, ओनली द डिफरेंस इज कि वहां हमने क्लास के अंदर ही वो डायरेक्टली कोड लिख दिया था, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया था, फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया था, उसका कोड हमने आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया है, outside the class, ठीक है। So this is just a way of writing the program. जब functions काफी बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और बहुत सारे functions होते हैं, तो you can write those functions outside the class. There's no harm in it. बस आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा कि ये function किसको belong करता है, किस class की बात कर रहे हो आप। So you have to write the name of the class. You have to use the scope resolution operator and then the name of the function.
नाउ आगे हमने सेम चीज करी है डिस्प्ले फंक्शन के लिए. डिस्प्ले फंक्शन को भी इसी तरह से लिखा हमने. कौन सा डिस्प्ले फंक्शन? जो बुक क्लास का है. ठीक है, इसको आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो. सपोज जैसे आप रेज्यूम नाम की फाइल बनाई है. सपोज देर आर टू रेज्यूम फाइल्स इन द कंप्यूटर. ओके, हार्ड डिस्क में हमने दो रेज्यूम नाम की फाइल सेव कर रखी है. एक है से डी ड्राइव में से एक्स वाई जेड फोल्डर के अंदर, और एक है ए बी सी फोल्डर के अंदर. ठीक है, सो देर आर टू रेज्यूम फाइल्स, वन इन द एक्स वाई जेड फोल्डर एंड वन इन द ए बी सी फोल्डर. ठीक है, तो जब आपको ए बी सी फोल्डर वाली रेज्यूम फाइल को चाहिए तो आप क्या लिखोगे? डी कोलन स्लैश ए बी सी स्लैश रेज्यूम. इससे आप क्या बताना चाह रहे हो? रेज्यूम कौन सा रेज्यूम? जो डी ड्राइव की एबीसी फोल्डर के अंदर है. ठीक है, अदरवाइज अगर आपको एक्स वाई जेड वाली चाहिए तो आप ऐसा लिखोगे. ऐसा क्यों करना पड़ा हमें? क्योंकि से रेज्यूम नाम की कई सारी फाइल हो सकती हैं, वो देना हमें जरूरी था. तो सिमिलरली यहाँ पे भी डिस्प्ले नाम के कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं. मेनी क्लासेस कैन हैव द नेम ऑफ द फंक्शन एज डिस्प्ले, सो यू नीड टू मेंशन which display function are you talking about. So I am talking about which display function, the one that belongs to the book class. यहाँ पे हमने सारा code define कर दिया display function के अंदर का, and rest all program is same. So only the difference is पहले program में हमने सारा कुछ material functions data सब कुछ class के अंदर define किया था. सेकेंड प्रोग्राम में, सेकेंड एग्जाम्पल में, आई हैव टेकन द सेम एग्जाम्पल. द ओनली थिंग इज कि गेट डेटा और डिस्प्ले फंक्शन को हमने क्लास के बाहर डिफाइन किया है, और पहले वाले में हमने क्लास के अंदर ही सब कुछ डिफाइन करा था. देयर विल बी नो डिफरेंस इन द आउटपुट. द आउटपुट इज एज इट इज, पहले जैसा ही प्रोग्राम रन होगा. देयर इज नथिंग डिफरेंट हियर. सो दीज आर द टू वेज. नॉर्मली ये वाला आपका स्टाइल यूज होता है. नॉर्मली हम क्लास को डिफाइन करते हैं. वी डोंट डिफाइन द फंक्शंस विद इन द क्लास. वी डिफाइन देम आउटसाइड द क्लास, बिकॉज क्लास बनाते समय हमारे पास उस समय कई बार फंक्शन का पूरा कोड हमारे सामने होता भी नहीं है. ओके, सो देयर इज नो पॉइंट राइटिंग अ फंक्शन व्हिच इज इनकम्प्लीट. सो एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन डिफाइन द फंक्शन आउटसाइड द क्लास. वी जस्ट टेल कि ये कौन सा वाला फंक्शन है जो इस क्लास को बिलोंग करता है. नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये भी हम कर चुके हैं, सी में कर चुके हो आप प्रोग्राम. टू परफॉर्म द बेसिक ऑपरेशंस ऑन टू नंबर्स, सपोज हमने दो नंबर्स लिए ए एंड बी, एंड आई वॉन्ट टू परफॉर्म द बेसिक ऑपरेशंस लाइक एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जिसे हम कहते हैं बेसिक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाना है. से बेसिक कैलकुलेटर जो हमारे ये चार मेन फंक्शंस परफॉर्म करेगा. ठीक है, नाउ सी में आपने प्रोग्राम लिखा है. स्विच केस वगैरह यूज करके हम लिखते थे इस प्रोग्राम को. दो नंबर्स इनपुट करा लेते थे, यूजर से चॉइस लेते थे कि उसको क्या चाहिए, एड कराना है नंबर को, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड कराना है. जो भी चॉइस यूजर देगा अकॉर्डिंगली वी विल परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन दीज टू नंबर्स. ओके, नाउ वी विल राइट द सेम प्रोग्राम यूजिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. ठीक है, तो अब विदाउट सीइंग द प्रोग्राम व्हाट वी नीड टू नो इज, नाउ अगर हम कोई तो एक क्लास बनाएंगे. सपोज हमने क्लास का नाम रखा कैलकुलेटर, या यहाँ पे हमने लिया है अरिथ. आई विल टेक द सेम नेम. सो यू कैन टेक इधर कैल्क or arith, both are making sense. So the name of the class should be meaningful. It shouldn't be ki x y z or p q r, pata hi na chale ki kis cheez ke liye class banayi gayi hai. Now as I told you, two sections are there in the class, the data and the functions. Now I just told you ki yahan pe data hamara kya hoga. Suppose a and b, do numbers pe hame calculations perform karane hai, basic operations, mathematical operations. So they can be A and B, or they can be N1, N2, whatever. Okay, so two data
डेटा मेंबर्स. फंक्शंस क्या क्या होंगे? एक तो फंक्शन होगा आपका जो डेटा को इनपुट कराएगा यूजर से, ए और बी को इनपुट कराएगा. देन एक फंक्शन होगा मे बी एड, एक होगा सब्ट्रैक्ट, एक होगा से मल्टीप्लाई और एक होगा डिवाइड. दिस वी कैन अज्यूम कि इस टाइप की एक क्लास होगी. क्लास का नाम कैल की आरिथ होगा. उसमें दो डेटा मेंबर्स होंगे. नाम हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं. एक फंक्शन होगा जो इनपुट कराएगा वैल्यूज, और चार फंक्शंस होंगे फॉर एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रिस्पेक्टिवली. ठीक है, नाउ लेट अस सी द प्रोग्राम व्हाट दे हैव रिटन. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, प्राइवेट सेक्शन में दो डेटा मेंबर्स दिए, वही फ्लोट टाइप. फ्लोट इसलिए लिए क्योंकि से जिससे कि आप हर तरह के नंबर्स को इसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर सके. इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई 3.5 इनटू 1.4, सो इट कैन बी आल्सो डन. सो नॉट रेस्ट्रिक्टिंग टू इंट, दे हैव टेकन फ्लोट टाइप वेरिएबल्स ए एंड बी, डेटा मेंबर्स ए एंड बी. चार फंक्शन, छह फंक्शंस बनाए हैं. गेट डेटा, पुट डेटा कैन ऑल्सो बी डिस्प्ले या शो डेटा. ये सारे कोई भी नाम से आप फंक्शन बना सकते हो. इनका बेसिक एम होता है टू डिस्प्ले द आउटपुट. एक फंक्शन आप बनाते हो इनपुट के लिए, एक बनाते हो आप आउटपुट के लिए. ठीक है, और ये चार फंक्शंस हमने बनाए हैं टू एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे हमारी क्लास ओवर हो गई. अब हमने क्या किया, फंक्शन के बाहर, क्लास के बाहर सारे फंक्शंस को डिफाइन किया. तो इस फंक्शन में हमने सिंपली क्या किया, ए एंड बी की वैल्यू को इनपुट कराया. ठीक है, नाउ पुट डेटा या डिस्प्ले में हमने क्या करा, दोनों नंबर्स डिस्प्ले करा दिए और रिजल्ट ऑफ एडिशन ये है, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट ये है, मल्टीप्लीकेशन का ये है, डिवाइड का ये है. और यहां हमने क्या किया है, डायरेक्टली इन फंक्शंस को कॉल कर लिया है. ठीक है ना, मीन्स हमने डायरेक्टली ये चार फंक्शंस को यहाँ पे कॉल कर लिया. मीन्स ये हम चॉइस बेस्ड वाला प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं. यू कैन कन्वर्ट दिस प्रोग्राम इनटू अ चॉइस बेस्ड प्रोग्राम आल्सो, जिसमें आप यूजर से इनपुट करा सकते हो कि उसको क्या कराना है, दो नंबर्स पे क्या कराना है, ऐड कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना, मल्टीप्लाई या डिवाइड कराना है. यहाँ पे हमने क्या किया है, दो नंबर्स इनपुट कराए और उसपे चारों ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसके रिजल्ट प्रिंट कर दिए. ठीक है, सो जस्ट इट्स एन एग्जाम्पल. You can change it as per your requirement. Now, add में हमने simply क्या कराया, return a plus b, subtract में a minus b, multiply में a into b and divide में a divided by b. ये चारों functions को हमने, चारों क्या, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, all six functions have been defined. और सारे functions को हमने कहाँ define किया है, क्लास के बाहर. और इन सब फंक्शंस का हमारा रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट. व्हाई? बिकॉज वी आर रिटर्निंग दिस. जब भी फंक्शन में रिटर्न वैल्यू होती है कोई, तो रिटर्न टाइप भी देना पड़ेगा हमें. ठीक है, तो हमारा आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, जब दो फ्लोट को ऐड करोगे तो रिजल्ट भी फ्लोट होगा. सो योर फंक्शन इज रिटर्निंग अ फ्लोट टाइप वैल्यू. इन दोनों फंक्शंस का रिटर्न टाइप वॉइड है बिकॉज दीज फंक्शंस नीड नॉट रिटर्न एनीथिंग. ठीक है, अब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे. रन कर, मेन में हमने क्या किया, इस क्लास का, अरिथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम का, ओबीजे डॉट गेट डेटा, ओबीजे डॉट पुट डेटा. आपका क्या होगा, एंटर, ये है आपका गेट डेटा फंक्शन. गेट डेटा फंक्शन जब कॉल होगा, ओबीजे डॉट गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा, इट विल आस्क यू फॉर टू नंबर्स. So they have entered 4 and 3. This is the put data ka output hai ye. Put data function jab call hoga obj data ki madad se, it will display first the values of a and b and then it will display ki addition ke baad unka result kya hai, subtraction ka result kya hai, multiplication ka kya hai and division ka kya hai. Theek hai, so this was a program, the basic calculator program that you had written earlier in C. We have tried to convert it into C++ using the classes concept. Now, the scope of a class object.
ठीक है, इसके लिए ज्यादा इसकी कोई वो नहीं है ना. सी ये हमारा मेन फंक्शन चल रहा है, ठीक है. वो दैट लाइन इज रिटन ऑन द अर्लियर पेज, सो आई एम जस्ट राइट हियर फॉर कन्वीनियंस. सो दिस इज वॉइड मेन. ओके, अब ये ऑब्जेक्ट हमने कहाँ डिफाइन किया? मेन के अंदर. दिस ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड इन द मेन फंक्शन. तो इस ऑब्जेक्ट का जो स्कोप है, इट विल बी द मेन फंक्शन. सो द स्कोप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज, स्कोप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज द मेन फंक्शन. ठीक है, मीन्स कि मेन फंक्शन के अंदर ये रिकग्नाइज होगा ओबीजे, मेन फंक्शन के बाहर इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है. नाउ व्हाई इट इज सो, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे डिफाइंड है. नाउ स्कोप वी हैव ऑलरेडी लर्नड अर्लियर, जब मैंने आपको स्टोरेज क्लासेस पढ़ाए थे तब मैंने आपको स्कोप और लाइफ टाइम समझाया था. स्कोप का मतलब है किसी भी वेरिएबल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का स्कोप क्या होता है. इट डिपेंड्स ऑन वेयर इट इज डिफाइंड. Now this object is defined within the main function, so its scope is the main function. So main function ke andar obj ki existence hai. Jaise hi main function khatam hoga, the obj object aapka destroy ho jayega ya finish ho jayega. Theek hai. Now object definition using arrays. Now suppose aapko jo name lena tha. यहाँ पे सपोज आपका, अब आपको क्या करना है कि अभी तक हमने क्या किया था, जस्ट आई हैड एंटर्ड वन रिकॉर्ड, एक बुक के डिटेल्स इनपुट कराए थे. ठीक है ना, एक बुक के डिटेल इनपुट कराने के लिए तो हम कभी भी प्रोग्राम नहीं लिखेंगे. अगर आपको लाइब्रेरी की बुक्स की एंट्री करनी है, सो यू विल एंटर सम नंबर ऑफ बुक डिटेल्स एट अ टाइम. ठीक है, तो अगर आप आपको बहुत सारी बुक्स के डिटेल्स स्टोर कराने हैं, देन यू कांट. अब जैसे आपने सपोज दो आपने एक नेम नाम लिया, ओके, तो उसमें कितना एक पर्सन का नाम स्टोर हो सकता है. अगर आपको पूरी क्लास के नेम स्टोर करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमने एक चीज पढ़ी है, एरेज. एरे इज अ मतलब जब भी हमें एक से ज्यादा मतलब बहुत सारे, सपोज हमें पूरे क्लास के मार्क्स स्टोर करने हैं, अगर मेरे को तीन बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं, आई कैन टेक वेरिएबल्स एज m1 m2 m3, नो प्रॉब्लम. तीन बच्चों के मार्क्स है तो तीन वेरिएबल्स के लिए m1 m2 m3. बट अगर मेरे को 100 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, आई कैनॉट क्रिएट 100 डिफरेंट वेरिएबल्स. वेरिएबल्स को क्रिएट करना कितना टायरिंग हो जाएगा और उनको फिर यूज करना भी बड़ा मुश्किल होगा. So in that case, what we do is when we have a lot of say बहुत सारे बच्चों के marks हमें store करने होते हैं, then instead of creating so many variables for storing the marks of so many students, what we do is हमने लिखा suppose int marks say 60. क्या होगा इससे, एक 60 size की array create हो जाएगी, integer type array. नाउ एरेज आपको पता है होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, तो सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप होंगे एंड इनकी इंडेक्स वैल्यू जीरो से शुरू होगी और लास्ट एलिमेंट विल बी n-1, दैट मींस 59. तो 60 डिफरेंट मार्क्स कैन बी स्टोर्ड इन दीज एरे एलिमेंट्स. एंड कोई भी एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, सपोज मैंने लिखा मार्क्स ऑफ आई, तो क्या होगा, मार्क्स ऑफ आई क्या करेगा, आई सबस्क्रिप्ट वाले. सपोज अगर मैंने लिखा मार्क्स ऑफ थ्री, तो मार्क्स ऑफ थ्री में जो भी कोई वैल्यू होगी से 75, दैट विल बी एक्सेस्ड. ठीक है ना, बिल्कुल वही कंसेप्ट हम एरेज का यहाँ भी यूज करेंगे. इसमें आपके प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं होगा. इफ यू सी दिस होल प्रोग्राम इज सेम, हमने वही सब किया, ये डेटा डिफाइन किया, ये फंक्शंस को डिक्लेयर करके छोड़ दिया. इसके बाद हमने क्या किया, दिस इज ऑल्सो सेम, दिस इज ऑल्सो सेम. इसमें आप क्या कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो द बुक
डिटेल्स, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हो आप, आउटपुट द बुक डिटेल्स। सो क्लास में कोई चेंज नहीं करना है हमें बेसिकली, द चेंजेस ओनली इन आर मेन प्रोग्राम, द मेन फंक्शन। पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। अभी मैंने लिखा, हमारी क्लास का नाम अब हमने लिब रख दिया था, तो हमने लिखा लिब क्लास का कितने ऑब्जेक्ट बनाए हमने, से ओबीजे ऑफ 100। तो क्या होगा, 100 ऑब्जेक्ट्स, एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज क्रिएटेड। इस लाइन से क्या हो रहा है आपका, एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज क्रिएटेड। सो नाउ दिस एरे कैन होल्ड द डिटेल्स ऑफ 100 डिफरेंट बुक्स। हर ऑब्जेक्ट में एक बुक के डिटेल्स स्टोर होंगे, और हमने एरे कितने की बनाई, कित साइज की बनाई है, 100 साइज की। सो मींस एवरी ऑब्जेक्ट, नाउ दीज आर नॉट एलिमेंट्स, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक बुक के डिटेल्स है, इसमें सेकंड बुक के डिटेल्स होंगे, दिस इज बुक वन, दिस विल होल्ड द डिटेल्स ऑफ बुक टू, एंड दिस विल होल्ड द डिटेल्स ऑफ बुक थ्री, एंड सिमिलरली ये जो लास्ट आपका एरे एलिमेंट होगा, दिस विल होल्ड द डिटेल्स ऑफ बुक नंबर 99, बिकॉज द एरे साइज इज 100। सो वी कैन स्टोर सो मेनी, मतलब हम एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं टू होल्ड। दिस सेम थिंग अप्लाइज फॉर स्टूडेंट ऑल्सो। हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई थी पिछले क्लास में। स्टूडेंट क्लास में क्या हो रहा था, एक प्रॉब्लम थी कि आप एक बार में सिर्फ एक स्टूडेंट के डिटेल्स इनपुट कर पा रहे थे, ठीक है। सपोज मेरे को मार्कशीट का प्रोग्राम बनाना है, तो सिर्फ एक स्टूडेंट के डिटेल वो इनपुट करेगा और उस स्टूडेंट की मार्कशीट प्रिंट कर देगा। नाउ इफ द क्लास टीचर वॉन्ट्स टू प्रिंट द मार्कशीट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन वन गो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सारे स्टूडेंट के मार्क डिटेल्स पहले इनपुट कराएंगे और फिर सारे बच्चों की मार्कशीट प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू क्रिएट एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो नाउ सपोज देर आर 60 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, सो आई विल क्रिएट, उस प्रोग्राम में मैं क्या चेंजेस करूंगी, मैं लिखूंगी स्टूडेंट, से अभी लिखा था मैंने एस, फिर मैंने लिखा था एस डॉट गेट डेटा, refer to my earlier program, I had written this, then s dot show data, ठीक है। get data से क्या हो रहा था, details student के input हो रहे थे, और s dot show data से the marksheet was printed, okay, this was only happening for one student, now I can do it for the entire class just by giving this, हमने क्या किया, now I have created this and this is array of objects of student class, इसको हम ऐसे read करेंगे। ये क्या है, s of 60 क्या है, s is an array of objects of student class, तो s के अंदर क्या होगा, objects होंगे, किसके objects होंगे, student class के objects होंगे, कितने objects होंगे, the size will specify कि 60 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट क्लास कैन बी स्टोर्ड इन दिस एरे। नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट हाउ मेनी बाइट्स विल बी अलॉटेड टू दिस एरे, सपोज एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को 25 बाइट्स आर अलॉटेड, तो 100 अगर रिकॉर्ड्स को स्टोर करोगे तो कितने बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे, 100 × 25, सिंपल, ठीक है। अब बस आपको एक काम करना है कि ये आप सिर्फ फंक्शन को एक बार अगर कॉल करोगे दोनों फंक्शंस को, तो क्या होगा, सिर्फ एक स्टूडेंट के डिटेल्स इनपुट हो पाएंगे। आपको ये चीज किसके अंदर देनी पड़ेगी, एक लूप के अंदर जो इतने बार रन करे, 60 टाइम्स रन करे। सो हियर इन दिस एग्जांपल दे हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ लिब क्लास,
साइज 100, मतलब इट इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग 100 बुक्स, बुक डिटेल्स, 100 बुक्स के डिटेल हम स्टोर कर सकते हैं इस एरे में, लेकिन हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं वो कितनी बुक्स के डिटेल इनपुट कराना चाहता है इन सम वेरिएबल n. यूजर ने जो भी वैल्यू दी, हमने एक लूप चलाया n टाइम्स फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस रिकॉर्ड नंबर एंड obj ऑफ i डॉट गेट डेटा. अब इससे क्या होगा, यहाँ एक इससे क्या होगा, इनिशियली द वैल्यू ऑफ आई विल बी 0, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा ओबीजे ऑफ 0 डॉट गेट डेटा. नाउ व्हाट डज दिस लाइन मीन, पहली बुक के डिटेल्स इनपुट कराओ, ठीक है, फिर अगले बार आई की वैल्यू बढ़ करके 1 हो जाएगी, अगेन द गेट डेटा फंक्शन विल बी कॉल्ड विद इन द लूप. So this will input the details of the second book, ठीक है, and ऐसा आप कब तक करोगे, n minus 1 तक, ठीक है. What was n? N is the number of books जिसकी details user input करना चाहता है. तो ये loop आपका उतने बार चलेगा और उतनी book के details user से input होंगे और वो कहाँ store हो जाएंगे, array of objects में. So this whole thing is storing one object. This whole thing is storing one object. ये book one के details hold करेगा, ये book two के details hold करेगा, ये book three के details hold करेगा, and so on. Similarly, बाद में हमने क्या किया, फिर से एक for loop चलाया 0 से लेके n minus 1 तक, and वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करा दिया. अब मैंने क्या किया, ओबीजे ऑफ आई डॉट डिस्प्ले, ये कोड हमने कहां लिख दिया, लूप के अंदर. सो हाउ मेनी टाइम्स दिस लाइन विल रन, इट विल रन एन नंबर ऑफ टाइम्स, एंड वो एन बुक के डिटेल्स को प्रिंट करा देगा कि बुक नंबर 1 के ये डिटेल्स हैं, बुक नंबर 2 के ये डिटेल्स हैं, बुक नंबर 3 के ये डिटेल्स हैं, एंड सो ऑन. Now you can see the output of the program. The output of the above program will be how many records to enter. User से value input कराई तो user ने कहा 2. अब उसने कहा enter the records, record number 1. पहली book के records हमने input कराए, book का number है 11, book का name है ABC, author है XYZ, and book का price है 150. सेकेंड बुक है उसका नंबर है 12, एक्स वाई जेड इज द नेम ऑफ द बुक, एबीसी इज द ऑथर्स नेम, एंड 150 इज द प्राइस, ठीक है. वो ही दोनों रिकॉर्ड्स आपके एज इट इज डिस्प्ले हो गए, दिस इज द फर्स्ट बुक एंड दिस इज द सेकेंड बुक. अगर ये आप लूप मतलब अगर यूजर चाहता तो 100 बुक के डिटेल्स भी एक बार में यूजर से इनपुट करा के उनको डिस्प्ले करा सकता था. सो दिस इन दिस टॉपिक वी हैव लर्नड अबाउट array of objects. So like we can create array of integers, array of float, array of characters. We can also create array of objects. क्योंकि इसे array होता क्या है, array एक similar type के elements को store करता है. तो array of integers क्या hold करेगा, it will hold only integers. Array of float क्या करेगा, it will hold only float type values. Array of characters is a collection of characters. So similarly on the same grounds, array of objects will hold objects of same type, will hold objects of same type. ठीक है, मतलब ये नहीं है कि एक आपने array बनाई, कुछ record कुछ details आपने book के डाले, कुछ student के डाले, कुछ faculty के डाले,
कुछ आइटम के डाल दिए, नहीं ये नहीं होगा. एक एरे के अंदर इफ इट इज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स इट कैन होल्ड ओनली सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट सिमिलर होने चाहिए, सेम होने चाहिए. तो अगर वो बुक के ऑब्जेक्ट्स हैं तो बुक के ऑब्जेक्ट्स ही होल्ड कर सकता है वो एरे. इफ यू हैव क्रिएटेड एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट क्लास इट कैन होल्ड ओनली द ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट क्लास ऑब्जेक्ट्स. इफ इट इज फॉर बुक्स इट विल ओनली होल्ड बुक्स. अगर वो आइटम का एरे है तो वो आइटम के डिटेल्स होल्ड कर पाएगा एंड सो ऑन. यू कांट कीप ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस इन वन एरे. सो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सिमिलर टाइप इन एन एरे. इससे फायदा ये होता है कि जब हमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स के डिटेल एक साथ इनपुट कराने होते हैं और फिर डिस्प्ले कराने होते हैं तो वी नीड नॉट क्रिएट सो मेनी वेरिएबल्स. वी कैन जस्ट क्रिएट एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एक सिंपल लूप चला के आई को जीरो से लेके. नाउ जीरो से लूप हम क्यों चला रहे हैं? बिकॉज एरे का इंडेक्स इज जीरो. सो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज एक्चुअली इट्स इंडेक्स इज जीरो. So when you say obj of 0, that means first object. Obj of 1 means the second object. Obj of n minus 1 means actually nth object. Okay? So this is array of objects. Do try it out. Aap ise apne student class wale program pe bhi implement kar sakte ho. Kam se kam 3 student ke details aap input karao. Aur unki mark sheet ko print karao using the display function. Okay? So this is the concept of array of objects. So I'll end the class here and we'll continue further with the same topic that is classes and objects. Now this is a very detailed topic. Kafi lamba chapter. The main thing that you learn in C++ is classes and objects. So it is dealing with the main thing. So this topic will take a few more lectures. And then we'll move to the next topic, say constructors, inheritance, and various other units in C++. So I'll just end the class here. Just try out all these programs, run these programs, and see the output for yourself.